देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। कोरोना काल में 2 साल तक पवित्र महीने को सादगी से मनाया गया था। मस्जिदों में केवल 5 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति थी। इस साल महामारी की स्थिति सामान्य हो जाने से नियमों की सारी बंदिश हटा दी गई। आज सुबह से मुस्लिम समाज के घर घर में ईद की तैयारियां शुरू हो गई। नए कपड़े पहनकर परिवार के पुरुष, बच्चे और युवा नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों की ओर निकल पड़े। इलाहाबाद ईदगाह में नमाज पढ़कर परिवार, समाज, प्रदेश और देशवासियों की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इसके पश्चात एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इलाहाबाद ईदगाह में एक साथ हजारों लोगों ने नमाज पढ़कर दुआ मांगी। मस्जिदों में नमाज की विशेष व्यवस्था थी। मस्जिद से बाहर आकर जरूरतमंदों की मदद की और बच्चों को ईदी के रूप में रुपए दिए। नमाज के बाद मुस्लिम मोहल्लों में घर घर ईद की खुशियां छाई हैं। जान पहचान के लोगों में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला चल रहा है और मीठी सेवइयों से मुंह मीठा कराया जा रहा है। नमाज पढ़कर बाहर आने वाले लोग गुलाब का फूल देकर सौहार्द कायम कर रहे हैं। नमाजियों ने कहा कि मुस्लिम विधि में कहीं भी नहीं कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए परिसर के अंदर ही नमाज अदा की गई और इससे सभी नमाजी खुश हैं। सरकार के बनाए गए नियम कानून और प्रयागराज पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ईद के त्योहार में 4 चांद लगा रही है। शायद ये पहली बार है कि सौहार्द के साथ एक त्योहार अच्छी तरह मनाया जा रहा है। आज ईद का दिन है जो कि बहुत खुशी का दिन है। इसमें हमारे सारे भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर यहाँ ईद मना रहे हैं ईदगाह पर। और यहाँ पर बच्चों को टॉफी बांटा हमने, बड़ों को फूल दिया और ये खुशहाली का इजहार किया गया है। और उसके बाद यहाँ दुआ हुई है कि दुआ किया है कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़े, तरक्की हो, खुशहाली आए और हमारा देश भारतवर्ष सबसे ऊँचा हो और विश्वगुरु बने, ये भी दुआ हम लोगों ने किया है। देखिए, हमने ईद के नमाज के बाद ये दुआ मांगी है कि इस मुल्क में अमन और शांति होनी चाहिए। इस मुल्क में अमन और शांति होना चाहिए। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ गंगा जमुनी की एक बहुत बड़ी तहजीब रही है। हम चाह रहे हैं, हमने ऊपर वाले से यही दुआ मांगा है कि इस मुल्क को में हमेशा अमन शांति हो, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है मोहब्बत हो और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है और पिछले 70-75 साल से हमारे यहाँ अमन शांति है, तो उसी अमन शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दुआ। ईद में सभी यहाँ पर हमारी पुलिस प्रबंध बहुत उच्च कोटि का रहा है और अभी हम लोग ईदगाह के पास भी हैं। अभी यहाँ नमाज संपन्न हुई है और सभी जगह पर लगभग नमाज समाप्त हो रही है, अदा की जा चुकी है। लोग अपने घरों को जा रहे हैं और अमन का एक माहौल बना हुआ है और काफ़ी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई है।